हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने 27 वर्ब्स कवर कर ली थी और इस वीडियो में हम उससे आगे देखते हैं। वर्ब नंबर हो गई हमारी यहाँ पर 28। ओके, और यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म है, सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, BITE, बाइट। ओके, और बाइट का जो मीनिंग होता है वो होता है, देखिए, काटना, काटना, ठीक है। और इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है बिट, ठीक है। और थर्ड फॉर्म होती है बिटन, BITEN। ये हो गया। अगली वर्ब है हमारी 29 नंबर है, यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ब है वो है ब्लो, BLOW, ब्लो। और ब्लो का जो मीनिंग होता है वो होता है हवा चलना, हवा चलना, ठीक है। और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है BLEW, ब्ल्यू। और सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है BLOWN, ब्लाउन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब है हमारी यहाँ पर BOAST, BOAST, बोस्ट। इसका मतलब होता है डींग मारना, यानी शेखी मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। और सेकेंड फॉर्म होती है बोस्टेड, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी इसकी बोस्टेड ही होती है, 31। BOIL, बॉयल। बॉयल का मतलब होता है फ्रेंड्स उबालना, उबालना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉइल्ड, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी इसकी बॉइल्ड ही होती है, 32। 32 पर हमारी वर्ब है बोरो, BORROW, बोरो। और इसका हिंदी मीनिंग होता है उधार लेना, ठीक है, उधार लेना। सेकेंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो बोरो में ED लगा दीजिए, बोरोड। और थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये भी यही रहेगी जो सेकेंड होती है, 33 पर, ठीक है। वर्ब है हमारी ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना, ओके। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, BROKE, ब्रोक। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी ब्रोकन, 34। BRING, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, ब्रॉट। और थर्ड फॉर्म भी इसकी ब्रॉट ही होती है, 35। BULD, बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, ठीक है। और सेकंड फॉर्म होती है इसकी बिल्ट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी बिल्ट ही होती है, 36। 36 में BURN, बर्न। बर्न का मीनिंग होती है, मीनिंग होता है जलना या जलाना। और सेकंड फॉर्म होती है बर्न्ट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी बर्न्ट ही होती है, ओके, 37। BURST, बस्ट। इसका हिंदी मीनिंग होता है फटना, ठीक है। और सेकंड फॉर्म इसकी यही रहती है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही रहती है, याद करने में आसान है, 38। BUY, बाय। बाय मीन्स होता है फ्रेंड्स खरीदना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी बॉट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी बॉट ही होती है, 39। CALL, कॉल। कॉल मीन्स होता है पुकारना, किसी को कॉल करना या फिर पुकारना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है CALLED, ED लग जाएगा, कॉल्ड। और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही रहती है, यानी कॉल्ड ही रहती है, 40। CAPTURE, कैप्चर। कैप्चर का मीनिंग होता है पकड़ना। और इसकी सेकंड फॉर्म की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ आपको D लगाना है, कैप्चर्ड कर देंगे इसको। और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही रहेगी, यानी कैप्चर्ड, ओके,
41, CARE केयर, ठीक है। केयर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। और सेकंड फॉर्म में सिर्फ आपको डी लगाना है, केयर्ड करना है, और थर्ड फॉर्म में भी आपको सिर्फ डी का ही ऐड करना है, मतलब केयर्ड ही हो जाएगा। 42 पर है CARRY कैरी। कैरी का मीनिंग होता है ले जाना, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है कैरीड, वाई की जगह आई करेंगे, ईडी जोड़ देंगे। और थर्ड फॉर्म भी इसकी कैरीड ही होती है। 42 के बाद आता है 43, CAST कास्ट। कास्ट का मीनिंग होता है फेंकना, कास्ट मीन्स फेंकना। सेकंड फॉर्म यही रहती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही रहती है, यानी कास्ट ही रहती है। 44 पर आते हैं CATCH कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। थर्ड सेकंड फॉर्म की अगर बात करें तो हो जाता है कॉट, CAUGHT, और थर्ड फॉर्म भी इसकी कॉट ही रहती है। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको तो याद करना ही पड़ेगा, चाहे रटिए कुछ भी कीजिए। चेंज, चेंज मीन्स होता है बदलना, चेंज मीन्स बदलना, ओके। और इसकी सेकंड फॉर्म चेंज्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी चेंज्ड यही रहेगी, ओके। 46 पर चलते हैं CHOOSE, चूज। चूज का मतलब होता है छांटना, छांटना। सेकंड फॉर्म में चूज कर देंगे, यानी सिंगल ओ रहेगा, और थर्ड फॉर्म में आपको चूजन करना है, ओके। नेक्स्ट वर्ब है 47 नंबर है CLEAN, क्लीन। हिंदी मीनिंग होता है साफ करना, क्लीन मीन्स साफ करना। और सेकंड फॉर्म में आपको ED लगाना है, क्लीन्ड करना है, और थर्ड फॉर्म में भी आप इसको ED करके जोड़ देंगे, यानी क्लीन्ड कर देंगे। 48 पर आते हैं CLIMB, क्लाइंब। क्लाइंब का हिंदी मीनिंग होता है चढ़ना। सेकंड फॉर्म में आपको क्लाइंब लिखकर ED जोड़ना है, क्लाइंब्ड। और थर्ड फॉर्म भी इसमें ऐसे ही रहेंगी, यानी जो सेकंड फॉर्म होती है वही रहेगी। 49 पर आते हैं CLOSE, क्लोज। क्लोज का हिंदी मीनिंग होता है बंद करना, बंद कर देना। और सेकंड फॉर्म में क्या करेंगे आप, सिर्फ डी लगा देंगे, क्लोज्ड। और थर्ड फॉर्म में भी आपको ऐसे ही लिखना है, यानी जो सेकंड है, क्लोज्ड। 50 पर आते हैं, 50 पर CLOTHE, देखिए जब ई लगेगा तो ये वर्ब हो जाएगी, यानी कपड़े पहनना, कपड़े पहनना, ओके। और सेकंड फॉर्म में क्या करेंगे हम, डी लगा देंगे, क्लॉथ्ड। ऐसे ही इसमें आपको ऐसे ही रखना है, थर्ड फॉर्म में भी क्लॉथ्ड, ओके। 51 पर चलते हैं COLLECT, कलेक्ट। और कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। और इसकी सेकंड फॉर्म की अगर बात करें तो कलेक्ट लिख के ED जोड़ दीजिए, कलेक्टेड हो जाएगा। और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी, यानी कलेक्टेड ही रहेगी। 52 पर आते हैं COME, कम। कम का मतलब होता है आना। देखिए सेकंड फॉर्म में सिर्फ O की जगह A कर देंगे, केम कर देंगे, CAME केम। और थर्ड फॉर्म यही रहेगी जो फर्स्ट होती है, केम कम, कम केम कम। 53 पर आते हैं COMPARE, कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, तुलना करना। सेकंड फॉर्म कंपेयर्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी कंपेयर्ड ही रहेगी। 54 COMPLAIN, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। और सेकंड फॉर्म में कंप्लेंड, और थर्ड फॉर्म में भी ED जोड़कर कंप्लेंड कर देंगे। 55 COMPLETE, कंप्लीट।
कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, पूरा करना, और इसकी सेकंड फॉर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी कंप्लीटेड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी कंप्लीटेड ही रहेगी। 56 पर आते हैं, कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना। सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कंसील्ड, ओके कंसील्ड, और थर्ड फॉर्म भी ऐसी रहेगी जो सेकंड रहेगी। 57 पर आते हैं, इस वीडियो का लास्ट वर्ड है ये कन्फ्यूज, और कन्फ्यूज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है घबराना, घबराना भी बोलते हैं इसको, ओके, और इसकी सेकंड फॉर्म कन्फ्यूज्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी कन्फ्यूज्ड ही रहेगी। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।